हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेवल ट्रिक के बारे में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इस ट्रिक से आप सॉल्यूशन से आने वाले प्रॉब्लम को कर लोगे, राइट। स्टेट्स ऑफ मैटर से भी इसी ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे। मोल कॉन्सेप्ट से भी इस ट्रिक से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और सॉलिड स्टेट से भी हो जाएंगे। डैट मीन्स चार चैप्टर से इस ट्रिक से आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है नेक्स्ट लेवल। वो कैसे? तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रिक है क्या, कंसेप्ट है क्या। तो देखो, वेरी सिंपल है। इन जनरल मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज करो यू नो कि सॉल्यूशन में पी नॉट ए गिवन होता है, प्योर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का, पी नॉट बी गिवन होता है, प्योर वेपर प्रेशर सेकेंड लिक्विड का। अब इनके मान लो 3 मोल्स और इनके 7 मोल्स मिक्स किए गए, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, और एग्जाम में आपको कैसे करना है वो भी हम आपको थिंकिंग बताएंगे। क्योंकि जब तक आप रफी सर की थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे, क्वेश्चन आपका फास्ट नहीं बनने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मेन फंडा क्या है? पी नॉट ए अगर छोटा है, पी नॉट भी बड़ा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, तो इन दोनों के बीच ही आंसर आने वाला है। ये बात क्लियर हो चुका है। अगर इन दोनों के बीच आने वाला है, इफ़ ए और बी इक्वल हो जाते, ये पॉइंट, अगर ए और बी इक्वल हो जाते तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वो एग्जैक्टली मिड में आ जाता है। डैट इज एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू हो जाता, अगर कंडीशन है कि अगर दोनों के मोल सेम हो जाते। अब अगर सर मोल सेम नहीं है तो क्या करेंगे? तो मोल सेम नहीं है तो आप एवरेज निकाल लेंगे, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपका आंसर किस साइड होगा। अगर मान लो बी बड़ा होगा, अगर बी बड़ा होगा तो आपका आंसर एम से राइट साइड शिफ्टेड होगा, डेट मीन्स एम और बी के बीच में होगा। तो ऑप्शन आपको गिवन होंगे, वहाँ से पहचान लोगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। और अगर ए बड़ा हो गया तो हमारा आंसर एम और ए के बीच में होगा, डेट मीन्स एवरेज से छोटा होगा तो लेफ्ट साइड ऑफ एम होगा। वेरी सिंपल है, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। तो वेरी सिंपल फंडा है, राइट। अगर आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू दे दिया, स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू दे दिया, तो अब आपको क्लियर है कि आपका जो आंसर है वो एक्स और वाई के बीच में आने वाला है। और वो कितना आएगा? अगर ए बी सेम हो गया तो एवरेज हो जाएगा, और ए बी डिफरेंट है तो आपको देखना है कि कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा उसकी तरफ झुका देना है। डैट मीन्स अगर बी बड़ा होगा तो इधर की तरफ वैल्यू शिफ्टेड होगा, जितना बड़ा होगा उतना शिफ्टेड होगा, और अगर ए बड़ा होगा तो इधर की तरफ वैल्यू शिफ्टेड होगा, और अगेन जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना इधर की तरफ शिफ्टेड होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन हो गए तो उसके लिए भी रफी सर के पास ट्रिक है। आपको मैंने एक कंडीशन लिया कि अगर सपोज करते हैं बी ग्रेटर देन ए है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो एम जो एवरेज आप निकाल चुके हो उसमें आपको ऐड कर देना ये वैल्यू। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये दोनों का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस बी माइनस एम डिवाइड कर देंगे ये दोनों के नंबर से, ए प्लस बी उससे डिवाइड कर देंगे, इनटू दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जितना वैल्यू आएगा उसमें ऐड कर देंगे एम में, तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर मान लो ये बड़ा होता तो इधर की तरफ, तो एम में से क्या कर देते? माइनस कर देते, उतना कम कर देते, राइट। एक्स वाई क्या हो सकते हैं? पी नॉट ए पी नॉट बी, वॉल्यूम मास एट्सेट्रा हो सकता है, जो भी मैं प्रॉब्लम लेके समझाऊंगा अभी। ए बी क्या हो सकता है? मोल मोलारिटी मोल फ्रैक्शन एट्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि सॉलिड स्टेट में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, एम 0.95 हो, नॉन स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो में जो होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का फंडा क्या है कि आप क्विकली चार्ज बैलेंस कर लेंगे। यू नो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो इस पूरे का मिला करके 0.95, मान लिया मेटल का एक्स चार्ज है एवरेज 0.95, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो एक्स कितना आ जाएगा? 200/95। ये आप क्विकली कर लेंगे। जो भी जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, इधर वाले एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें इस नंबर से डिवाइड कर देंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर मुझे x का परसेंटेज निकालना है कि x का उसमें कितना परसेंटेज है, तो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, इधर वाले का निकाल रहो तो ये डिफरेंस आपको लेना है। तो ध्यान से देखो, मैंने वही लिया y -200/95। y में से क्यों माइनस किया? क्योंकि y बिग होगा, राइट। डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है, y माइनस x इंटू 100, आपको परसेंटेज x आ जाएगा। परसेंटेज y निकालना है तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो परसेंटेज y निकालना है तो आप क्या करेंगे, इधर का निकालना है तो ये डिफरेंस, ये डिफरेंस तो 200/95 माइनस x, और नीचे में सेम वही रहेगा
टोटल डिफरेंस इंटू 100, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको इस ट्रिक पे बेस सारे चैप्टर से क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, 2021 में 16 मार्च को शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है, राइट, मेंस में। और इसी तरह का सिमिलर कंसेप्ट 2015 में भी पूछा गया, 2010 में और 2007 में, डैट मीन्स 4 ईयर में इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ क्या चेंज किया, वैल्यू को चेंज किया, राइट। तो एक तो मैं आपको वो अप्रोच बताता हूँ जो सारे बच्चे करते हैं, राइट, कैसे करते हैं वो, उसको पी नॉट ए गिवेन है, पी नॉट बी गिवेन है, ए का 1 मोल, बी का 2 मोल्स, तो वो फार्मूला लगाते हैं जो प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालना है, डैट मीन्स पी टोटल, तो क्या हो जाता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, राइट। पी नॉट ए उसको गिवन है 21 मोल फ्रैक्शन, ए का वो निकाल लेते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसके 1 मोल है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 3, तो इंटू 1/3 प्लस पी नॉट बी उसको गिवन होता है 18 इंटू एक्स बी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, उसके मोल्स 2 टोटल मोल्स 3 तो 2/3। उसके बाद ये 3 7 21 और 3 6 18 6 2 12 तो 12 + 7 डैट इज 19, ये इंटीजर टाइप में था, ये आंसर लिख के आते हैं, ये इतना करते हैं, राइट। तो रफ़ी सर कैसे समझाते हैं, ये चीज़ अच्छे समझाते हैं, उसके बाद रफ़ी सर आपको नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग बताते हैं जो सब आपको नहीं बता सकता, कि अब हमें एग्जाम में इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, क्योंकि इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरा ये कि चलो यहाँ पे छोटी वैल्यू थी तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर लिए, बड़ी वैल्यू होंगी तो कैसे करेंगे। तो रफ़ी सर का फिर नेक्स्ट लेवल का ट्रिक काम आएगा, देखो ध्यान से देखो कैसे करता हूँ मैं विदाउट कैलकुलेशन। आपको मैंने क्या बोला कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो और जिस पे छोटी वैल्यू को इधर दिखाओ, तो ये 18, राइट, और ये 21। अब चाहो तो सेफ्टी के लिए लिख सकते हो कि ये बी है और ये ए है। क्या क्या मैंने समझे, हमने नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, 18 लेस नंबर था, 21 बिग नंबर था, ऐसे लिख दिया, राइट। बी का आपको मोल्स गिवेन है कितना, 2 मोल्स, तो इधर लिख दो 2 मोल्स है इसका, और ए का कितना, 1 मोल्स, तो ये लिख दिया हमने। हमने आपको क्या बोला था कि अगर सपोज करो दोनों के सेम मोल्स होते, अगर दोनों का इक्वल मोल्स होता तो वैल्यू एकदम कहाँ पे आ जाती, बीच में, बीच में बोले तो इन दोनों का एवरेज, तो 18 + 21/2 कितना हो जाएगा, ये 19.5 ये होता। नाउ द क्वेश्चन इज कि मोल्स इक्वल नहीं है, मोल्स किसके ज़्यादा हैं, बी के ज़्यादा हैं, तो आंसर किधर होगा, इधर की तरफ होगा, राइट। दैट मीन्स ये जो 19.5 है इससे लेफ्ट साइड में शिफ्टेड होंगे, इससे कम होंगे, और कितना कम होंगे तो उसको ही बोला हमने, यहाँ का गैप देखो, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया, ध्यान से देखो 19.5 में कितना गैप हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाई, ये दोनों नंबर को आप ऐड कर दो, 21 तो 3 इंटू, राइट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस 2 - 1, मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ पहले, और ये 2 + 1, ओके, तो ये कितना आया, ध्यान से देखो 1.5/3 × 1 डेट इज 0.5, तो ये बता रहा है कि आपको 0.5 कम करना है, तो 19.5 - 0.5 कितना गया, 19, देखो आपका यही आंसर था। तो इस ट्रिक के लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं, लेकिन लोगों ने इसको गलत बता रखा है कि ट्रिक से क्या होता है, अरे भाई ट्रिक नहीं है ये, इसी से करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ये क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है मेंस में, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि हेप्टेन का आपको प्योर वेपर प्रेशर गिवन था 105, ऑक्टेन का भी गिवन था 45, और अगर 25 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन को मिक्स किया गया है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है, दोनों के मोलर मास गिवन थे। नाउ वही चीज़ अब बच्चे कैसे इसको अप्रोच करते हैं, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम होता है, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये सभी को मालूम होता है, और ये लगाते हैं पी नॉट ए गिवन है सर, और एक्स ए वो कैसे निकालते हैं, तो ये मास आपको गिवन है तो 25 को डिवाइड करते हैं 100 से, तो इसका मोल्स आ गया 0.25, राइट, और इधर भी इसका भी मास गिवन है 35, तो इसको डिवाइड करते हैं 114 से, ये अप्रॉक्स में 0.3 मोल्स आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, अगर x से निकालना होगा तो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.3 कितना हो गया 0.55, इस टाइप से फिर x भी निकालते हैं, फिर इसमें पुट करते हैं और आंसर लाते हैं।
इतना करने के लिए टाइम नहीं है मेरे बेटा, समझ गए मेरी बात को? तो देखो रफ़ी सर कैसे करते हैं, आपको भी रफ़ी सर की तरह थिंक करना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको फिर से क्या बोला, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, इसमें छोटा कौन है 45 लिख लो, किसका है ये ऑक्टेन का ओ लिख लो, दूसरा कौन है 105 किसका ये हेप्टेन का लिख लो। ओके मोल्स बाय द वे तुम निकाल लियो, ये किसका मोल्स है 25/100, ये आपका हेप्टेन का है तो इसका 0.25 है और इसका 0.3। अब देखो आपके पास ऑप्शन है राइट, कैलकुलेशन कर करके आप आंसर ला रहे हो, उससे आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है। मैन थिंग इज एग्जाम में मैटर क्या करता है, आप सही ऑप्शन टिक किए कि नहीं, डेट्स इट। कैसे सॉल्व किया वो कोई आपका देखने वाला नहीं है और उसके मार्क्स भी नहीं मिलते। तो ध्यान से देखो मैं ऑप्शन से कैसे जाता हूँ, वही ट्रिक लगाओ। आपको मालूम है कि ये 45 और 105 का एवरेज कितना हो जाएगा, ये सब आप माइंड में कर सकते हो, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। बाय टू तो आपको समझ में आ गया 75। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो भी आंसर होना है वो 45 से बड़ा और 105 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें ध्यान से देखो ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं था, क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में होना चाहिए तो ये गया, और ये 36 भी पॉसिबल नहीं था, क्यों? इन दोनों नंबर के बीच में गया। देख लो रफ़ी सर का ट्रिक कैसे काम आ रहा, बच गया ये दोनों। अब ये दोनों बच गया तो ध्यान से देखो, अच्छा ये नंबर मैंने नहीं लिया है, एग्जाम में गिवन आप देख सकते हो PYQ में राइट। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो आपको पता लग गया कि 75 एवरेज है अगर दोनों का मोल सेम होता है राइट। अगर ये 0.3 है ये भी 0.3 होता तो 75 आता, या ये 0.25 है ये 0.25 होता तो 75 आता, डेट मीन्स दोनों के मोल सेम होना चाहिए था, अभी नहीं है तो क्या होगा, कौन बड़ा है 0.3 बड़ा है तो इसकी तरफ झुक जाएगा, इसकी तरफ झुक जाएगा मतलब हमारा आंसर 75 से थोड़ा कम होने वाला है। देख लो एक ही ऑप्शन ऐसा है, ख़त्म। तो इसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं, मार्केट में गलत अफवाह में मत जाओ कि बस ट्रिक ट्रिक करते हैं, वो ट्रिक ट्रिक नहीं करता हूं मैं, कंसेप्चुअली समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो अगेन 2012 में 19 मई को आया हुआ है, और यहां पे ध्यान से देखो कि जो क्वेश्चन में गिवन था कि ए का 1 मोल और बी का 2 मोल लिया तो फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 250 आया, अगर एक और मोल ए का ऐड कर दिया सिर्फ, डैट मीन्स ए का फर 2 मोल कर दिया और बी का वही रखा 2 मोल तो प्रेशर सॉल्यूशन का 300 आया, तो आपको P0 ही बताना है। और ध्यान दें ये जितना भी ट्रिक अपना वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, वो तो बात क्लियर होनी चाहिए आपको। तो आप ध्यान से देखो इसको बच्चे कैसे करते हैं, तो वही कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 250 है इज इक्वल टू P0xA प्लस P0bXB, फिर जब प्रेशर सॉल्यूशन का 300 हुआ तो उसको P0xA प्लस P0bXB ये लगाते हैं राइट। उसको XA xB मालूम होता है क्योंकि मोल्स गिवन है, पुट करते हैं दो इक्वेशन दो अननोन, फिर सॉल्व करते हैं, फिर आंसर टिक करते हैं। रफ़ी सर यहीं पे डिफरेंस क्रिएट करते हैं क्योंकि वो आपको नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग बताते हैं राइट, और आपको कैसे थिंक करना है ध्यान से देखो समझो, कैसे विदाउट सॉल्विंग करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आपको क्या बोल रहा है कि ए का जब 1 मोल था बी का 2 मोल तो प्रेशर सॉल्यूशन का कितना है 250, और जब ए का फर्दर 1 मोल ऐड किया डेट मीन्स ए का टोटल 2 मोल कर दिया बी का 2 मोल तो प्रेशर 300 है। तो यहाँ पे समझ लो कि आपको बता रखा हूँ ट्रिक में, अगर दोनों के मोल सेम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का एवरेज, तो एवरेज 300 आना चाहिए। तो देखो इसमें 300 किस किस का आएगा, इसका आ सकता और इसका एवरेज 300 आएगा, डेट मीन्स ये दो ऑप्शन गए। अब सर इन दोनों में कैसे वेरीफाई करें कौन होगा, तो ध्यान से देखो जब ए का मोल बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, डेट मीन्स ए ज़्यादा वोलाटाइल है तो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए कौन सा रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। या फिर ऐसे भी थिंक कर सकते हो जो आपको बताया था, ध्यान से देखो अगर इनमें से ये बात तो क्लियर हो गया 300 से कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा राइट। अब ध्यान से देखो इनका एवरेज कितना आ रहा है 300 और आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना है 250, मतलब इधर की तरफ झुका हुआ है, 300 से कम है। और मोल किसका ज़्यादा, ध्यान से देखो मोल किसका ज़्यादा, बी का, मतलब बी इधर होगा तो बी के ज़्यादा मोल होंगे तभी इधर झुकेंगे, और ए इधर होगा, ए का 1 मोल था राइट, तो बी का ज़्यादा मोल था इधर की तरफ झुका हुआ है इसीलिए 250 आया है। तो यू नो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बोला था अरेंज करने को, तो बी कम होना चाहिए इसलिए ये 150 होगा और ए कितना हो जाएगा 450। देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, 2009 में पूछा गया है कि x और y हैं, x का 1 मोल है y का 3 मोल है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 550 है, x का एक और मोल ऐड किया डेट मीन्स टोटल 2 मोल्स कर दिए, y का वही मोल रखे तो प्रेशर
560 हो गया है, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगेन आप ध्यान से देखो कि अगर 13 है तो 550 है, राइट। तो पहली चीज जो एवरेज है, यहाँ से ध्यान से देखो, 1 और 3, राइट, दोनों इक्वल होते तो एवरेज आता। ये ज़्यादा है तो इसका मतलब थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, तो जो भी हमारा एवरेज होगा वो 500 के आसपास होगा। तो ध्यान से देखो, ये तो टोटल ऐड करके ही 500 हो रहा है, राइट, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 250, तो ये ऐसे ही गया। ये 700 हो रहा है, डिवाइड करेंगे 2 से तो 350, जो कि 500 के आसपास नहीं आ पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा ये हमें क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पे 500 आ रहा है और यहाँ पे 550 आ रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे डायरेक्ट 550 आ रहा है। 550 तो तब आता ना जब दोनों के मोल्स सेम होते, तब ये 550 आता, राइट। तो यहाँ पे तो मोल सेम है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए कौन होगा, ऑप्शन यही होंगे। तो ये है रफ़ी सर के अप्रोच, ये है रफ़ी सर के ट्रिक जो आपको समझना है। आई होप क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कि आपको ए का प्योर वेपर प्रेशर गिवेन है, बी का प्योर वेपर प्रेशर गिवेन है, मोल फ्रैक्शन ए का गिवेन है 0.3। तो ध्यान दें, एक्स जहाँ पे भी लिखा होगा, एक्स मतलब लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, और वाई पूछ रहा है, वाई भी लिक्विड फेज नहीं होता, वाई जो होता है वो गैस फेज होता है, गैस फेज में मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है, वो भी बी का। तो इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे करते हैं, ध्यान से देखो क्या करते हैं, वो टोटल प्रेशर निकालते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, राइट। उसके बाद उससे वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैस फेज, तो पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई ये जो टोटल प्रेशर निकालेंगे, ऐसे करते हैं। इसमें गलत कुछ नहीं है, राइट, बट कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, क्योंकि फार्मूला सबको मालूम होता है, सब कुछ समझना ईजी है, ईजी रहता है, लेकिन इसमें टाइम जाएगा। तो देखो रफ़ी सर कैसे करते हैं, क्योंकि आप एक मर तो देख लो, ये 6 बार इसी कंसेप्ट पे 6 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो PYQ से। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कौन से ईयर में, कौन से डेट को और किस शिफ्ट में पूछा गया, ये सब क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर, जस्ट नंबर चेंज किया है, कंसेप्ट एग्जैक्टली सिमिलर है। तो देखो रफ़ी सर कैसे करते हैं, आपको क्या बताया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ए और बी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका 50 है, इसका 100 है, इसका मोल फ्रैक्शन आपको लिक्विड फेज में गिवन है 0.3, तो इसका कितना हो जाएगा, चूंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है तो इसका हो जाएगा 0.7, राइट। अब आपको मालूम है इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 75। तो ये कब वैल्यू आती है, जब दोनों के मोल फ्रैक्शन या मोल इक्वल होते हैं। अभी किसका ज़्यादा है, बी का, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर कैसा होगा, 75 से इधर शिफ्टेड होगा। अगर हमें निकालना है प्रेशर सॉल्यूशन का हमारे ट्रिक से, तो आपको मालूम है 75 में हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट, कितना ऐड करना है, तो बताया था ये डिफरेंस, अब देख लो 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाय नीचे में ये टोटल सम 0.3 प्लस 0.7 और इनटू इन दोनों का डिफरेंस, तो 0.7 माइनस 0.3, राइट। तो आपको मालूम है ये 75 और ये 25, ये तो 1 हो गया और ये 0.4, तो 10 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 85, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको कितना आता है, 85। तो एक बात हमें आइडिया क्लियर था, राइट, क्योंकि और एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालना है उसके लिए भी रफ़ी सर आपको ट्रिक दिए हुए हैं। तो ये आ गया, अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन बी का गैस फेज में, वाई बी मतलब गैस फेज में, तो पी नॉट बी एक्स बी, तो यू नो पी नॉट बी इज 100 और एक्स बी इज आप देख सकते हो 0.7 डिवाइडेड बाई टोटल, डेट इज 85, तो ये कितना हो गया, 70/85, तो 5 से काटोगे तो 14/17, इसलिए इसने ऐसा लिखा था। तो x कितना हो गया आपका, 14, इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो रफ़ी सर के ट्रिक से कितना इजीली हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस टाइप से आपको सॉलिड स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि m 0.83 है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट वाले, और यहाँ पे मेटल +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का परसेंटेज बताना है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2023 में 31 जून को और 2022 में 27 जून को Shift 1 में, आप वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो रफ़ी सर कैसे करते हैं ट्रिक से, आपको ऐसे क्वेश्चन का क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, 2 और 3, राइट। आपको बोला था चार्ज बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन का कितना चार्ज, -2, और मान लेते हैं कि 0.83 × x = 2, अगर मेटल का चार्ज एवरेज चार्ज x है तो दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 2, तो x कितना आ जाएगा आपका, 200/83, तो हमने बोला था कहीं पे भी लिख दो आप 200/83,
अब मुझे किसका निकालना है, 2 वाले का परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज m प्लस 2 इज इक्वल टू, बोला था अगर इधर का निकालना है तो ये वाला डिफरेंस आपको लेना है, तो 3 माइनस 200 बाई 83 डिवाइडेड बाय नीचे में ये दोनों डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 100। तो आप ध्यान से देखो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, तो 249 माइनस 200 बाई ये 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 83 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, 49 बाई 83, राइट। तो 49 बाई 83 इंटू 100 इसका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। 77 49 और ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 12, और 12 से इसको कैंसिल करोगे तो 0.5 और वो 9, तो ये इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 59%। तो ऐसे आपको फास्ट रहना है कैलकुलेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के क्वेश्चन आपको गैसेस स्टेट में बहुत सारे मिलने वाले हैं, कि अगर ये इसका प्रेशर 100 है और वॉल्यूम 5 लीटर है, इस वाले कंटेनर का प्रेशर 240 है, वॉल्यूम 10 लीटर है, अगर ये स्टॉप कॉक ओपन किया जाए तो प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको ट्रिक दे रखा हूँ, एक तरफ आप 100 लिखेंगे, एक तरफ 40, तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होता तो आपका एवरेज कितना हो जाता है, ये 170 एवरेज आता, 170। ये कब होता है, जब दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट है, और चूंकि B का वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट, B का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आंसर 170 से आगे शिफ्टेड होगा, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शन फंस गए, आप कैसे करें सर, तो आपको बता रखा हूँ, 170 प्लस ये डिफरेंस कितना हो गया, आप ध्यान से देखो, 70 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसका वॉल्यूम 5 था, इसका वॉल्यूम 10, तो 5 प्लस 10 इंटू दोनों का डिफरेंस 5, तो कितना हो गया 175, 70 प्लस ये हो जाएगा आपका 23 के आसपास, तो कितना आ जाएगा 193, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसलिए रफी सर ने आपको पूरा ट्रिक दे रखा है, आप इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप उस ट्रिक से इजीली कर लोगे, कि एक सॉल्यूशन शुगर का बनाया गया है बाय मिक्सिंग 200 ग्राम 25% सॉल्यूशन को, और सेम शुगर का ही सॉल्यूशन 500 ग्राम 40% सॉल्यूशन है, तो मास परसेंटेज रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या होगा। तो अगेन वही ट्रिक लगाओ, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या पूछा है, मास परसेंटेज, तो आप क्या कर देंगे, जो मास परसेंटेज गिवेन है, एक बार 25 है और एक बार 40 है, लिख दिया, 25 का कितना लिया था 200 ग्राम और 40 वाले का कितना लिया था 500 ग्राम, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या होगा, मास परसेंटेज, राइट। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर दोनों का सेम मास लिया होता तो बीच में आता, बीच में कितना हो जाता 32.5, लेकिन अभी किसका ज़्यादा है, इसका, तो आंसर मेरा क्या होगा, 32.5 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो आपको बता रखा हूँ, 32.5 प्लस ये एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 7.5 डिवाइडेड बाई, राइट, इन दोनों का प्लस, तो कितना हो गया 500 प्लस 200, तो कितना हो गया 700 इंटू दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 300, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आप देख सकते हो ये 22.5 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 32.5 प्लस 22.5 बाय 7, तो ये 3 पॉइंट और समथिंग आएंगे, तो नियरेस्ट इंटीजर में पूछा था, तो आंसर कितना हो जाएगा 36, वेरी सिंपल, आप ध्यान से देख सकते हो। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन भी मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे पूछे जाएंगे आपको, राइट, कि दो नेचुरली अकरिंग क्लोरीन के आइसोटोप हैं, तो उनका एवरेज मोलर मास बताओ, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है कि एवरेज मोलर मास अगर 35.5 है ये दो नेचुरली अकरिंग क्लोराइड क्लोरीन के आइसोटोप का, तो उनका रेशियो बताना है। तो अगेन वही चीज़ है, सिंपल, आपको क्या करना है, एक कौन था 35, एक कौन है 37, तो एक लिखा मैंने 35, एक लिखा 37, तो इनका एवरेज कितना आता 36, ये कब आता, जब दोनों के सेम होते, तो दोनों के तो सेम है नहीं, क्योंकि 36 आंसर नहीं, आंसर है 35.5 इधर की तरफ है, मतलब 35 वाला ज़्यादा है 37 वाला कम है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इनमें से हो सकते हैं, तो यू नो कितना आपका कम हुआ है 0.5,
0.5 कैसे कम हो सकता है? तो अगर मैं इसको 3 लूँ, इसको 1 लूँ तो कैसे? आप ध्यान से देखो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कैसे हुआ। तो आपको मालूम है 36 मेरा एवरेज था और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसका ज़्यादा है, राइट। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे तो माइनस, और कितना माइनस करना है तो ये डिफरेंस कितना का हो गया आपका 1, 36 माइनस 35 डिफरेंस 1, डिवाइडेड बाय टोटल सम कितना हो गया 4 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो आप ध्यान से देख सकते हो 3 माइनस 1 2, तो ये देखो 36 माइनस 0.5 कितना गया 35.5। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी होने वाला है क्योंकि इससे और है, तो आप इजीली कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कि इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 2013 में ही दो बार 25 अप्रैल और 7 अप्रैल को पूछा गया है, जहाँ पे 10 ml है आपको 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन को ऐड किया गया 200 ml 0.5 मोलर NaOH। ध्यान दें, ये कॉन्सेप्ट आप तभी लगाएंगे ये ट्रिक जब दोनों सेम हो, डैट मीन्स कोई रिएक्शन ना हो, आइदर ये दोनों बेस बेस हैं या एसिड एसिड हों। तो इसमें बेस वाला ये पूछा गया और इस वाले केस में एसिड वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे ट्रिक से करेंगे, ध्यान से देखो। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, एक का कंसंट्रेशन कितना है 0.5 मोलर और एक का कितना है 2 मोलर, राइट। और उसके बाद 0.5 वाले का आपको वॉल्यूम गिवन है 200 और उसका 10 ml गिवन है, राइट। तो आपको मालूम है कि आपका आंसर 0.5 से 2 के बीच में होगा, तो 0.5 से 2 के बीच में ये और ये ऑप्शन तो गए, ओनली ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। इन दोनों में कौन होंगे तो वो भी आप कर सकते हो, दोनों का एवरेज लोगे तो कितना आ जाएगा 1.25, चूँकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो आंसर मेरा 1.25 से इधर शिफ्टेड होगा। और ध्यान से देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से बहुत इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये जो है वो वेरी क्लोज टू 1.25 है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए कौन होगा ऑप्शन 1। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्या हो जाएगा 1.25 इधर की तरफ शिफ्टेड है तो माइनस, आपको क्या बोला था इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0.75, 1.25 माइनस 0.5 0.75 डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल कितना आ जाएगा 210 और इनटू में दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 200 माइनस 10 कितना हो जाएगा 190। तो आप ये कैंसिल कर सकते हो, यू नो आप देख सकते हो कि ये 19 और 21 अप्रॉक्स में ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये 0.75 माइनस करना पड़ेगा तो ये क्लोज टू में 0.5 के आसपास होगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप रफ़ी सर का ये ट्रिक, ये कंसेप्ट, ये अप्रोच आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपके ये दिल को छू लिया है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से सोचें केमिस्ट्री आपको एकदम ईजी लगे, तो आप रफ़ी सर का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।